नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। श्रीनिवास तिवारी के नाती सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में सिद्धार्थ ने भगवा धारण किया। उसी के साथ इस बात के कायस लगाए जा रहे हैं सिद्धार्थ हो सकता है त्यौथर से चुनाव लड़े। अगर बात की जाए सिद्धार्थ की तो सिद्धार्थ पिछले काफी समय से त्यौथर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने अपना वहां से प्रत्याशी घोषित किया तो उनका नाम नहीं था वहां पर। नाम था पिछला चुनाव लड़े रमा शंकर सिंह पटेल का। पिछला चुनाव रमा शंकर सिंह ने 45,000 वोट पाए थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। उसी के बाद से सिद्धार्थ ने वहां पर तैयारियां प्रारंभ की थी। उनको लग रहा था उनको वहां से टिकट मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सिद्धार्थ को पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से सिद्धार्थ ने आज अपनी पहली पत्रकार वार्ता में कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति से प्रभावित होकर भारत में आया हूं। जिस तरीके से यहां पर काम हुआ है, विकास काम हुआ है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं, जिसके चलते मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आइए आपको सुनाते हैं सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कुछ कहा। वजह मोदी जी का नेतृत्व है। भारत आज जिन ऊंचाइयों को पिछले 9.5 वर्षों में छू रहा है, अद्वितीय है। विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी नेता हो, आज भारत के विकास के सामने नतमस्तक है। इससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, किया है। प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश का कायाकल्प हुआ है, विंध का कायाकल्प हुआ है, आप खुद 2003 की बंटाधार सरकार की सड़कों से आज की शिवराज सिंह सरकार से तुलना कर सकते हैं और खुद देख लेंगे कि मध्य प्रदेश ने कितना विकास किया है। इससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं तो लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा था, मुझे लोकसभा का टिकट अभी भी ऑफर है कांग्रेस से। मुझे कांग्रेस ने कैबिनेट दर्जा देने की भी बात की थी, पूरे लोकसभा का प्रभारी भी बनाया था, और भी कमलनाथ जी जिस तरह के प्रलोभन देते हैं सब दिया था। लेकिन बात चुनाव लड़ने की नहीं है, बात एक ऐसे विंध्य और ऐसे प्रदेश को बनाने की है जिससे आने वाला युवा हम सब पर गर्व करे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। कमिटमेंट हुआ है कि समृद्ध भारत के लिए, अखंड भारत के लिए काम करना है और भारत को विश्वगुरु बनाना है, ये कमिटमेंट हुआ। क्या मानते हैं विंध्य में कितनी सीटों पे नुकसान पहुंचेगा? विंध्य में पुनरावृत्ति होगी, बल्कि 1-2 सीटें और ज्यादा आएंगी। क्या लगता है बार बार विंध्य से विरोध निकल के आ रहा है? पहले अभी क्या बोलते हैं, विरोध स्वाभाविक है और भी अभी उठेगा। उसका कारण है, मैंने आपको पहले बताया, कांग्रेस के 2 वयोवृद्ध नेता कॉन्ट्रैक्ट टाइप चलाना चाह रहे हैं, ठेकेदारी के जैसे पार्टी चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये ठेकेदारी नहीं है। यहाँ मानव संवेदनाएं हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात है। कमलनाथ जी का चलो चलो तो सबको पता ही है, तो चलो चलो के चक्कर में पूरी कांग्रेस खाली होने जा रही है इस चुनाव में, और इसका आप नतीजा अगर 70 सीट से ज्यादा कांग्रेस चली जाए तो मैं आपको इस बात का दावा करता हूं। इससे ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।